मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम परवीन योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, हमने इंग्लिश में चैप्टर 9 द स्काई इज़ फॉलिंग हम इसे पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये बुक वर्क भी हमने किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चों ने इन्हें ध्यान से करना है, अपनी बुक में भी करना है और अपनी स्कूल की नोटबुक में भी करना है। चलिए ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द बनी ड्रीमिंग अबाउट। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट वाज द बनी ड्रीमिंग अबाउट। जो बनी था वो किस चीज़ का सपना देख रहा था, किसके बारे में सपना देख रहा था। तो आंसर देखिए बेटा, क्वेश्चन, द बन्नी वॉज ड्रीमिंग ऑफ ग्रीन कैबेजेस एंड रेड कैरेट्स। द बन्नी वॉज ड्रीमिंग ऑफ ग्रीन कैबेजेस एंड रेड कैरेट्स। जो बन्नी था वो सपना देख रहा था हरी पत्ता गोभी और लाल गाजरों का। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन यहीं से था, व्हाट वाज द बन्नी ड्रीमिंग अबाउट। तो आपने लिखना है द बन्नी ड्रीमिंग वाज, इतना आपने क्वेश्चन में से लिया। उसके बाद आपको पता ही है क्या, किस चीज़ का सपना देख रहा था वो, ग्रीन कैबेजेस एंड रेड कैरेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 88 पर है बेटा ये। व्हाई डिड द बन्नी स्टार्ट रनिंग। Why did the bunny start running? जो बन्नी था उसने दौड़ना क्यों स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बन्नी सबसे पहले भागने लगा था ना, तो उसने क्यों दौड़ना शुरू कर दिया था। तो बेटा इसका आंसर है because, BECAUSE, because he thought, 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 क्योंकि उसने सोचा, द स्काई इज फॉलिंग, कि आसमान गिर रहा है। बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा द स्काई इज फॉलिंग। तो बेटा उसने ये सोचा था इसलिए वो उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, व्हाट वाज द डियर डूइंग। What was the deer doing? जो हिरन था वो क्या कर रहा था, हिरन क्या कर रहा था। What was the deer doing? हिरन क्या कर रहा था। तो आंसर है the deer was enjoying the soft grass. The deer was enjoying the soft grass. ENJOYING, enjoying, SOFT, soft, GRASS, grass, soft होता है नरम नरम, grass means घास, वो हरी मुलायम घास को enjoy कर रहा था। enjoy means यहाँ वो खा रहा था, हरी हरी घास को, soft soft, ताज़ा ताज़ा घास को वो खा रहा था। तो उसी में यहाँ दिया गया है कि the deer was enjoying the soft grass। कई बार आप लोग कुछ अपनी पसंद का खाना खाते हो, चाउमीन खाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, तो आप कहते हैं ना आज हमने इंजॉय किया, बर्गर खाया। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि व्हाट वाज द डियर इन डूइंग, वो क्या कर रहा था। द डियर वाज इंजॉइंग द सॉफ्ट ग्रास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, हु वाज लिविंग इनसाइड द कैव। जो गुफा थी उसके अंदर कौन रहता था। इनसाइड मीन्स होता है अंदर, केव मीन्स गुफा, लिविंग मीन्स रहता। ठीक है, गुफा के अंदर कौन रहता था, द फॉक्स। कौन रहते थे, द फॉक्स। एक लोमड़ी रहती थी ना, तो उसके लिए लिखना है द फॉक्स। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं, व्हाट वाज द बन्नी ड्रीमिंग अबाउट। द बन्नी वाज ड्रीमिंग ऑफ ग्रीन कैबेजेस and red carrots. Question number 2, why did the bunny start running? Answer, because he thought the sky is falling. Question number 3,
What was the deer doing? Answer is, the deer was enjoying the soft grass. Question number 4. Who was living inside the cave? Answer is, the fox. ठीक है बेटा, डू इन योर बुक एंड नोटबुक, ये वाला सारा काम बच्चों आपने अपनी बुक में भी फिल करना है। देखो यहाँ मैंने जैसे फिल किया हुआ है ना, आपने इस तरह से इसे बुक में भी फिल करना है, पेज नंबर 88 एंड 89। और जिन बच्चों ने ये बुक वर्क नहीं किया, ये मैंने कराया था लाइव क्लासेस में और ये कुछ होमवर्क में दिया था, तो अगर आपने ये नहीं किया तो आप इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी इंग्लिश की कॉपी में भी करना है, ठीक है, और साथ ही साथ इनको बेटा लर्न भी करना है, ठीक है। अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में साफ राइटिंग में लिखकर इन्हें लर्न करिए, इसमें से मैं आपका टेस्ट लूँगी। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।